लखनऊ के मालदीव नगर वार्ड में आज नुक्कड़ सभा में लोगों के बीच संवाद। लोकसभा चुनाव में लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए सांसद प्रयागराज रीता बहुगुणा जोशी ने ऐशबाग मालवीय नगर पहुंचकर लोगों से माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए घर घर वोट मांगे और भारी मतों से विजय बनाने के लिए लोगों से संवाद किया। लखनऊ के मालवीय नगर वार्ड में है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। आज हमारे बीच में प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, जिनसे जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है इस बार 400 के पार का नारा क्या कुछ है। देखिए, हमको तो जिस तरह से माहौल दिख रहा है, अगर 450 भी हो जाए तो हमको कोई सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। 370 का लक्ष्य है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और जिस तरह से उन्होंने योजनाएं बनाई है, स्वाभाविक है कि अगर हम 370 का आंकड़ा भाजपा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो वो 2/3 भारत की मतदाताओं को भी हम अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, और इसीलिए परिश्रम हो रहा है। ये तो देखिए सर्वविदित है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यह भी सर्वविदित है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बाकी पार्टियां सब ध्वस्त होने जा रही है। कितनी पार्टियों की जमानत जब्त होगी, यह भी कोई बहुत आपको आश्चर्यजनक नहीं लगेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। तो हम जिन लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं उसके लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह जी लड़ रहे हैं, हमारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से अपना नामांकन कर दिया है। तो इतने दिग्गज नेताओं का अटल जी का यह प्रदेश है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 75 के ऊपर सीटें भाजपा जीत के जाएगी। एनडीए गठबंधन की सरकार जो है बराबर जो है पीछे कर रही है और मंच के माध्यम से युवाओं के लिए एक नया भविष्य लाने के लिए बात कर रही है, क्या ऐसा कुछ नया भविष्य है? क्यों नहीं है, आपने देखा कि नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया, नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसी तरह से एक साइंटिफिक टेम्पर यानी एक वैज्ञानिक मूड पूरे देश में बनाने का प्रयास हो रहा है। इंक्यूबेशन हब्स बनाए जा रहे हैं, युवाओं के लिए अलग स्वरोजगार के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, मुद्रा योजना के थ्रू उनको लोन देना, स्टार्टअप स्टैंडअप और निवेश लाने का प्रयास। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी यहाँ पर निवेश लाए हैं, 40 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, 10 लाख करोड़ धरातल पे आ गया, उनकी सारी स्वीकृतियां हो गई, जमीन खरीद ली गई, काम शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में स्वरोजगार और रोजगार ये दोनों के रास्ते खोले जा रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट जिसके माध्यम से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।